आलमगीर आलम और उनके अधिकारियों ने 3,000 करोड़ रुपए वसूले। ईडी ने जो दावे पेश किए हैं उसके बाद कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको पता होगा अक्टूबर महीने में चुनाव होने के आसार हैं। इसी बीच ईडी का ये बड़ा दावा कि 3,000 करोड़ रुपए आलमगीर आलम और उनके अफसरों ने जो है कमीशन के तौर पर वसूला है और इसको लेकर साक्ष्य का दावा भी जो है वो ईडी कर रही है। अब विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आपको पता होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान भी जब जब भी आलमगीर आलम का जिक्र हुआ पीएम मोदी भी इसका जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस जेएमएम हो या फिर इंडिया गठबंधन वो बैकफुट पर थी। और अब जो ईडी ने खुलासे किए हैं उसके बाद इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अधिकारियों का कमीशन जो है वो 0.75% से 1.5% तक था। ईडी ने क्या कुछ कहा है, अपने क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, क्या साक्ष्य किए हैं, क्या बड़े दावे किए हैं, हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, उनके आप सचिव संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दायर किया। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। विकास योजनाओं में तय था अधिकारी से कर्मचारी तक का कमीशन। इसमें कहा गया विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं में हर स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कमीशन की दरें थी। आलमगीर के कार्यकाल में कमीशन के तौर पर करीब 3,000 करोड़ रुपए वसूले जाने और उसकी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया। कमीशन वसूलने और बंटवारे के लिए सक्रिय था गिरोह। आरोप पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कमीशन की राशि वसूलने और बंटवारे के लिए विभाग में एक गिरोह सक्रिय था। इसमें ठेकेदार, इंजीनियर सहित विभागीय अधिकारी शामिल थे। विभागीय मंत्री के लिए विकास योजनाओं में 1.5% कमीशन निर्धारित था। ईडी ने विभाग में जारी कमीशन खोरी को प्रमाणित करने के लिए कई तरह के दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसमें आप सचिव के पास से बरामद एक्सेल शीट भी शामिल है। इस शीट पर विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का नाम, लागत, यहां तक कि कुल कमीशन का भी जिक्र है और कमीशन में हिस्सेदारी का उल्लेख है। यानी आप यकीन मानिए अगर ये दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो ये कैसे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बड़े अफसरों को 0.75 से 1.5% तक मिलता था कमीशन। रिपोर्ट में कहा गया जहांगीर के घर से बरामद रुपए विकास योजनाओं से बतौर कमीशन वसूली गई थी। रिपोर्ट में कहा गया बड़े अफसरों के लिए कमीशन की दर 0.75 से 1.5% तक निर्धारित थी। ईडी ने कमीशन की रकम से लॉन्ड्रिंग के सहारे अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। जहांगीर को मंत्री के आप सचिव का कर्मी बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया अब तक की जांच के दौरान अभियुक्तों की कुछ संपत्ति को चिन्हित किया गया है, साथ ही संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। संजीव लाल और जहांगीर की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और सहायक जहांगीर की कुल 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने संपत्ति जब्त करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जब्त की गई संपत्ति में संजीव लाल और जहांगीर का फ्लैट शामिल है। ईडी ने जांच में पाया कि संजीव लाल और जहांगीर के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का आर्थिक स्रोत वैध नहीं है, लीगल नहीं है। फ्लैटों की खरीदने में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं में वसूली की गई कमीशन की राशि का इस्तेमाल किया गया। यानी साफ तौर पर ईडी जी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और खास करके वो एक्सेल शीट जहां पर उनके बड़े अधिकारी उस एक्सेल शीट में लिखते थे कि कितने की योजना है, कितना कमीशन दिया गया और कितने कमीशन में हिस्सेदारी है, ये दस्तावेज कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर करेगा। अब करप्शन का मसला जो है वो जोर शोर से उठेगा और बीजेपी यकीन मानिए विधानसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। आपको याद ही होगा कि कैसे आलमगीर आलम के नौकर के पीए के नौकर के पास से जो है वो 34 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता जो है इस पर लगातार सवाल उठाते रहे। अब क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।